नमस्कार और आप देख रहे हैं पल पल। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने फरीदाबाद में पहले वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की। जी हां, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने ई न्यायालयों के लिए एक नए युग की शुरुआत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद के पहले वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की है। अब आपके लिए बेहद जानकारी होना जरूरी है कि ये वर्चुअल कोर्ट आखिर है क्या, आइए जानते हैं इस खास वीडियो में। दरअसल पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी ने शनिवार को चंडीगढ़ में ई न्यायालयों का एक नए युग की शुरुआत करते हुए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से फरीदाबाद के पहले वर्चुअल कोर्ट की शुरुआत की है। फरीदाबाद स्थित यह वर्चुअल कोर्ट पूरे हरियाणा राज्य के ट्रैफिक संचालन के मामलों से निपटेगा। इस वर्चुअल कोर्ट का उद्देश्य न्यायालय में विवादी को उपस्थित होने तथा उसे समाप्त करना, विवादों को समाप्त करना और मामले को ऑनलाइन निपटाना है। परियोजना का शुभारंभ करते हुए मुख्य न्यायाधीश ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जिला एवं स्तर न्यायाधीश फरीदाबाद के साथ बातचीत की और परियोजना के सफल ट्रायल पर बल दिया। इस अवसर पर पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीशों के अलावा पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की कंप्यूटर समिति के अध्यक्ष न्यायमूर्ति डॉक्टर रवि रंजन के साथ साथ समिति के सदस्य न्यायमूर्ति सुरेंद्र गुप्ता और न्यायमूर्ति बी एस वालिया भी उपस्थित थे। यह परियोजना भारत के सर्वोच्च न्यायालय की ई समिति के मार्गदर्शन में शुरू की गई है और इस सॉफ्टवेयर को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र NIC द्वारा विकसित किया गया है। इस परियोजना के तहत वर्चुअल कोर्ट में प्राप्त मामलों की स्क्रीन पर जुर्माना की स्वचालित गणना के साथ न्यायाधीश द्वारा देखा जा सकता है। जब एक बार समन जनरेट होने और आरोपी को ईमेल या SMS की जानकारी मिल जाने के बाद आरोपी वर्चुअल कोर्ट की वेबसाइट पर जा सकते हैं और अपने संबंधित केस का CNR नंबर या अभियुक्त का नाम अथवा ड्राइवरी लाइसेंस नंबर इत्यादि से अपना केस सर्च कर सकते हैं। वर्चुअल कोर्ट नियमित अदालतों पर बोझ कम करेगा। निपटान की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन घंटों में होगी। न्यायालयों में लोगों का आना काफ़ी कम हो जाएगा क्योंकि अभियुक्तों को दोषी ठहराने के लिए अदालत में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। आप देख रहे हैं पलपल की विशेष रिपोर्ट। ये जो है प्रक्रिया को सरल करने का एक तरीका हम लोगों ने अपनाया है कि सारे चीज़ों को डिजिटाइज कर दिया। जो ट्रैफिक वायलेशंस के जो पेटी केसेस होते हैं जिसमें फाइन होते हैं, तो अगर वो गिल्टी प्लीड करता है तो उसे कोर्ट जाने की कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कोर्ट से ही वो जो अमाउंट है फाइन का वो तय होके उसको SMS जाएगा, वो अपने कार्ड से पेमेंट करके केस ख़त्म कर ले सकता है। अभी जो प्रक्रिया है उसमें उसे कोर्ट जाना होता है, वकील करने होते हैं और कई दफ़े डेट लग जाती है, फिर जाना होता है, तो ये सारी बातें जो है ख़त्म हो जाएंगी। और ये एक कोर्ट फरीदाबाद में रखा गया है, नॉमिनेट किया गया है, जो कि पूरे हरियाणा स्टेट को कैटर करेगा। ऐसे ट्रैफिक वायलेशंस के जो केसेस हैं वो सारे केसेस इसी कोर्ट में आएंगे और यहीं से इनका निस्तारण ऑनलाइन हो जाएगा। इससे लिटिगेंट को जाना नहीं है, वकील को कोर्ट में जाना नहीं है, टाइम सेविंग होगा और जल्दी से जो देर होती है रेवेन्यू आने में स्टेट को, रेवेन्यू भी जल्दी आएगा, तो इससे हर तरीके से फ़ायदा ही फायदा है। आई थिंक दे वुड बिकॉज दिस दे आर यूजिंग देयर कार्ड्स फॉर पेमेंट्स, दे गो टू द ग्रोसरी शॉप और एनी शॉप एंड एक्चुअली द गवर्नमेंट इज ऑल्सो हाईलाइटिंग डिजिटल पेमेंट थिंग्स and so it will be since it will be very easy for them to do it and get rid of all the processes which they would have to go through in a regular manner, but I think they will definitely prefer it and I think it will be a success. Now the next step would be we will expand it to all the cases. We are only dealing with the fines up to rupees 2000. Above 2000,
if anybody pays by credit card or some commission or something is taken by the banks. Now the talk is going on with the government. If the government bears or somehow it can be raised from 2000 up to the maximum limit also. And not only traffic cases, but in future we may also go to all the petty offences.